क्या आप भी बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान हैं? तमाम दवाइयाँ खाने के बावजूद भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सारमा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से सिर्फ ग़िज़ा से ठीक किया जा सकता है। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक अहम जुज़ है ब्लड प्रोफाइल का। इसके बिना भी बॉडी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जिस्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस्म के अंदर दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि HDL और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब हम बात करते हैं इनकी नॉर्मल मिकदार होती कितनी है। 200 mg पर डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है। इससे बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। दूसरा, HDL का लेवल कितना होना चाहिए, 30 mg पर डेसीलीटर। LDL है, उसका लेवल कितना होना चाहिए, LDL का लेवल होना चाहिए 100 mg पर डेसीलीटर। हमारी रूटीन की वजह से अगर ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसा कि फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चर्बी घी की चीज़ें ज़्यादा खाना और इसके साथ साथ मैदे की बनी बेकरी आइटम ज़्यादा खाना, इन तमाम वजूहात की वजह से कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में बढ़ जाता है, तो इसको हम डाइट से किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। 5 ऐसी ग़िज़ाओं को डिस्कस करेंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। नंबर 1, अनियन यानी कि प्याज। प्याज के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते जो कि दिल की नालियों के अंदर चर्बी कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देते और ये हमें बचाते हैं बुरे कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से। नंबर 2, लहसुन। लहसुन के अंदर भी बहुत से ऐसे कंपोनेंट मौजूद होते हैं जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। नंबर 3, ग्रीन टी। ग्रीन टी जैसे कि हम सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन सोर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट जो है जितने भी फ्री रेडिकल का अटैक है खून की नालियों के ऊपर उसको रोकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि खून जो है वो नालियों में नहीं जमता और जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी भी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। नंबर 4, बादाम। बादाम के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जिनका ये काम होता है कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी बॉडी के अंदर रिफाइन करते हैं। मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़, दिल के मरीज़ अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए 1 कुटी पुदीना, 1 इंच अदरक, 1 इंच दालचीनी, 1 लीमू का रस, 1/4 हिस्सा पान पत्ता। इन तमाम चीज़ों को आपने एक ग्लास के अंदर भिगो के रख लेना और उसके अंदर आपने गर्म पानी डाल देना है। सारी रात इसको डिप रखना है, सुबह उठ के निहार मुँह आपने इसको पी लेना है सारी चीज़ों को ग्राइंड करके, लेकिन जो दालचीनी है उसको आपने निकाल देना है और उसको वैसे ही मुँह में चबा सकते हैं। अगर तो आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो इनको नाश्ते के 2 घंटे या 3 घंटे बाद आपने इस ड्रिंक को पीना है। अगर आप कोई दवाई नहीं इस्तेमाल करते तो सुबह निहार मुँह भी इसको पी सकते हैं। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।